हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। और मैंने इससे पहले आपको समझाया था पिकार्ड मेथड से किस तरह से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करते हैं। नाउ आज मैं दिखाऊंगा आपको कि यूलर्स एंड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से हम कैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यूलर मेथड इज कॉल्ड रुंजक कुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। और यूलर्स मॉडिफाइड मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रुंजा कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। अगर बाई चांस कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि यूज द रुंजा कुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इट मीन्स वो यूलर्स मेथड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर आपसे पूछे कि रुंजा कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर, इट मीन्स वो है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और आपके सिलेबस में रुंजा कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर भी पूछा जाता है, सो ध्यान देने की जरूरत है। सो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नाउ अब बात करते हैं हम इसका फार्मूला। सो यूलर्स मेथड का जो फार्मूला होता है वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन एच एफ एक्स एन वाई एन होता है। नाउ अब क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई विद द बाउंड्री कंडीशन वाई इज इक्वल टू वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू पॉइंट वन, है ना। तो आपको यहाँ पे 0.1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, बाय द हेल्प ऑफ यूलर्स मेथड। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप स्टेप साइज क्या लेते हो। अभी स्टेप साइज के बारे में आपको कुछ बोला नहीं गया है, तो हम यहाँ पे जो स्टेप साइज लेंगे वो कितने लेंगे स्टूडेंट, 5 लेंगे, है ना। तो 5 स्टेप साइज लेंगे, तो स्टेप साइज के लिए क्या करना पड़ेगा, एच इज इक्वल टू जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, एक्चुअली ये इसकी ए वैल्यू और इसकी बी वैल्यू, तो वही बी माइनस ए करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.02 आएगा, राइट। तो 0.02 आएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से वैल्यू लिखेंगे x0 x1 x2 x3 x4 और x5। सो स्टूडेंट x0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। नाउ ये कितना आएगा, 0.02 0.04 0.06 0.08 और 0.10 आ जाएगा, है ना। तो आपको जो कंडीशन गिवन है वो हमारी क्या होती है स्टूडेंट, एक्स जीरो वाई जीरो होती है। तो एक्स जीरो हमारे पास 0 है, वाई जीरो हमारे पास कितना है 1, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। और स्टेप साइज आपको यहाँ पे क्या लेंगे, 5 ले लेंगे। जितना स्टेप साइज ज़्यादा लेंगे उतना हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y1 निकालना है, y0 निकालना है, y1 निकालना है, y2 निकालना है, y3 निकालना है, y4 निकालना है और y5 निकालना है। जो भी क्वेश्चन हमें दे रखा है उसको हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट, fxy ले लेंगे, राइट। सो fxy हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा। और जो यूलर्स मेथड उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है, है ना। तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले में, पुट n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। पहले एक काम करें, इस फार्मूले को थोड़ा इज्जत से लिख लेते हैं। सो वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच और ये एक्स एन वाई एन। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स एन प्लस वाई एन, राइट, है ना। क्योंकि एफ एक्स वाई, राइट, एफ एक्स वाई हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारा एफ एक्स वाई, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स एन और वाई की जगह वाई एन रखना है, क्लियर। नाउ क्या करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू हम रखेंगे 0, तो वाई वन इज इक्वल टू वाई जीरो एच एक्स जीरो वाई जीरो हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, वाई जीरो हमारे पास गिवन है और वो जो भी हमारी कंडीशन दे रखी होती है, ये हमारा एक्स जीरो और ये हमारा वाई जीरो है। तो वाई जीरो की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो ये 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 0.2 है, है ना, 0.02 है। नाउ x0 हमारे पास कितना है, 0, और y0 कितना है, 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1.02 आएगा। सो दिस इज y1। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, हमारे पास आई 1.02 आई। नाउ क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 और जैसे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे आप, तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y2 इज इक्वल टू y1 एच x1 प्लस y1। सो स्टूडेंट y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1.02 02, x1 हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 0.02 एंड y1 हमारे पास है 1.02। इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 1.0408। तो यहाँ से हम रखेंगे इसको 1.0408। नाउ अब क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ सो दैट स्पेस अच्छा मिले, पुट n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, y3 इज इक्वल टू y2 एच x2 प्लस y2। नाउ y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे अभी हमने निकाली, दैट इज 1.0408 प्लस 0.02 एंड x2 हमारे पास है 0.04 प्लस
1.0408 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. तो स्टूडेंट हमारे पास जो y3 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.0624. राइट, नाउ क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास y4 इज इक्वल टू y3 प्लस h x3 प्लस y3. नाउ y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, 1.0624 प्लस ये आएगा 0.02 एंड यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 0.06 प्लस 1.0624 और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.0848 आएगा. नाउ हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमारे पास आएगा y5 इज इक्वल टू y4 प्लस h x4 प्लस y4. जगह नहीं तो मैं यहाँ रख देता हूँ तो y4 की वैल्यू कितना है हमारे पास, y4 है हमारे पास 1.0848. नाउ प्लस h की वैल्यू हमारे पास 0.02 है, x4 हमारे पास है 0.08 प्लस 1.0848. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.1081. सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूलर्स मैथड या रुंजाकुट्टा मैथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. नाउ अब मैं आपको समझाऊंगा कि यूलर्स मॉडिफाइड मैथड कैसे हम यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड या रुंजाकुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर कैसे हम सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, जो यूलर्स मेथड का जो फार्मूला होता है yn plus 1 is equal to yn plus h f x n yn, ये वैल्यू से जो भी आंसर निकलता है उसको हम यहाँ पे स्टार नाम दे देंगे. फिर हम क्या करेंगे, नया फार्मूला यूज करेंगे yn plus h by 2 f x n comma yn plus f एक्स एन प्लस वन कोमा वाई एन प्लस वन स्टार. स्टूडेंट यहां से जो भी फार्मूला होगा उसको उठा के यहां रखेंगे, देन इस आंसर को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड, हम यूलर्स मेथड से जो आंसर आ रहा है उसको हम वापस मॉडिफाई कर रहे हैं. सो दिस मेथड इज कॉल्ड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड. राइट, सो क्या करेंगे, क्वेश्चन पे हम सीधा बात करते हैं. सो आपके अंदर रखा है गिवन dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, है ना, विथ कंडीशन दे रखी है y 0 इज इक्वल टू 1, है ना, आपसे बोल रहा है फाइंड y 0.02 एंड y 0.04, राइट, है ना, बाय यूलर्स मॉडिफाइड मैथड. ठीक है, आपको यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से आपको क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है. क्लियर स्टूडेंट, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए इधर, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको हम fxy मान लेंगे, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्लियर है, और जो कंडीशन दे रखी है उसको हम मानेंगे एक्स जीरो एंड वाई जीरो. सो स्टूडेंट देखो ये वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है और एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0. नाउ एक्स वन कितना होगा स्टूडेंट, आपको इनकी और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप एक्स वन मान लीजिए और इसको आप क्या मान लीजिए, एक्स टू मान लीजिए. तो आपके पास जो एच आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 0.02 आ रहा है. क्लियर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई वन स्टार निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, फिर इस आंसर को वापस मॉडिफाई करेंगे. क्लियर, फिर ये वाले फार्मूले से हम वाई टू स्टार निकालेंगे, देन फिर हम वाई टू निकालेंगे और ये हमारा वाई वन और वाई टू क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूला रखेंगे. सो पुट n इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 0, है ना. सो n इज इक्वल टू 0 रखा तो कितना आया ये, वाई वन स्टार इज इक्वल टू वाई वन एच एफ एक्स वन कोमा सॉरी n रखा 0 रखा तो ये आएगा वाई जीरो एक्स जीरो एंड वाई जीरो. नाउ वाई वन स्टार इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई जीरो एच और ये एफ एक्स वाई, तो जहाँ पर एक्स वहाँ एक्स जीरो, जहाँ वाई वहाँ वाई जीरो रखना तो ये आएगा एक्स जीरो स्क्वायर वाई जीरो. और स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, वाई जीरो की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.02 एंड एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है 0 और वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास है 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1.02. सो दिस इज 1.02 इज वाई वन स्टार. नाउ अब क्या करेंगे हम, पुट n इज इक्वल टू 0 इन यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, है ना, हम मॉडिफाइड मेथड में मतलब हम उस वाले फार्मूले रखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 0 इन सेकंड वाला फार्मूला, ना इस वाले में रखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी, वाई वन इज इक्वल टू वाई जीरो एच बाई टू एफ एक्स जीरो कोमा वाई जीरो प्लस एफ एक्स वन कोमा वाई वन स्टार. सो स्टूडेंट क्या होगा, वाई वन इज इक्वल टू वाई जीरो एच बाई टू, वैल्यू रखेंगे हम इसके अंदर, है ना, ये एफ एक्स वाई, तो यहाँ हमारे पास आएगा ये एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई जीरो प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्टार.
नाउ स्टूडेंट्स सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, y1 इज इक्वल टू y0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, y0 हमारे पास 1 आ रहा है, h हमारे पास 0.02 अपॉन 2 है, x0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, देन 1 प्लस x1 की वैल्यू हमारे पास है 0.02 का स्क्वायर, प्लस y1 स्टार हमारे पास आया 1.02। स्टूडेंट इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे हम, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.0202, है ना। तो ये जो आंसर आया हमारा वो कितना है 1.0202, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगेन पुट n इज इक्वल टू 1, है ना। अब क्या करेंगे हम, पुट n इज इक्वल टू 1 यहाँ आगे लिखेंगे, है ना। नाउ क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 इस तरह रखेंगे, सबसे पहले y वन y2 स्टार इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, y1 प्लस h x1 कोमा y1। नाउ क्या होगा स्टूडेंट, y2 स्टार इज इक्वल टू y1 प्लस h और दिस इज f, है ना। तो ये हमारी वैल्यू पुट यहाँ करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1। सो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी स्टूडेंट, ये रहेगा y1 1.0202 प्लस h 02। नाउ x1 की वैल्यू हमारे पास है 0.02 का होल स्क्वायर प्लस 1.0202, और इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट y2 स्टार आएगा 1.0406, राइट। यहाँ कैलकुलेटर से आपको करना, अगेन पुट n इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये आया 1406, क्लियर है। नाउ अब y2 की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले फार्मूले में पुट करेंगे, सो y2 इज इक्वल टू y1 h by 2 f x1 comma y1 plus f x2 comma y2 star। now ये वैल्यू रखेंगे हम, तो y2 is equal to y1 h by 2 x1 square plus y1 plus x2 square plus y2 star। now student क्या करेंगे, y1 की वैल्यू कितनी होगी 1.0202 plus h की वैल्यू आएगी 0.02 upon 2 x1 square, so x1 square कितना होएगा स्टूडेंट, यहाँ पे x1 square हमारे पास x1 की जो वैल्यू दे रखी वो दे रखी 0.02 का स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास है 1.0202 प्लस x2 square, so x2 square हमारे पास 0.04 का होल स्क्वायर प्लस y2 star, so y2 star की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई 1.0406, और इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1.0408, सो द आंसर इज 1.0408। सो इस तरह से हम रुंजाकुटा जो सॉरी यूलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज करते हैं, या फिर रुंजाकुटा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, प्लीज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, और कमेंट जरूर करें सो दैट कि मुझे थोड़ी एनर्जी मिले, क्योंकि हमारे टीचर्स के लिए हमें सिर्फ गुरुदक्षिणा के रूप में आपके कमेंट्स ही चाहिए, सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे और भी अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट लेके आएँ। सो स्टूडेंट लास्ट स्क्रीन पे मेरे सभी वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको मैंने इंजीनियरिंग और बीएससी और बाकी सब अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बना रखी है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पे आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।